ये रहा हमारा हॉस्टल, ये है रिसेप्शन। इस हॉस्टल का नाम है एवरो हॉस्टल। एवरो हॉस्टल ये रहा एवरो हॉस्टल, ये इनका पैम्फलेट है। एंट्री में ही यहाँ कुछ टॉफीज प्रोवाइड की थी इन्होंने। यहाँ पे एंट्री करते ही शूज हमें बाहर ही उतारने पड़ते हैं। इधर राइट साइड में हमारी एंट्री है इस वाले गेट से, यहाँ से हम एंटर किए थे इस गेट से। ये रिसेप्शन, चलिए आपको दिखाते हैं। हमें रूम अलॉट हो चुका है। शी इज द इंचार्ज इन दिस हॉस्टल एक्चुअली फ्रॉम इंडिया। हेलो प्रिया, अंग्रेजी नहीं आती बिल्कुल। यहाँ पे इंग्लिश किसी को भी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। यस, ये रूम्स हैं। ये रहा यहाँ का बाथरूम, हम आपको यहाँ का बाथरूम दिखाते हैं। लाइट्स, यप, ये है यहाँ का बाथरूम। कॉमन बाथरूम है सबके लिए। ये शावर रूम है बेसिकली। हेयर ड्रायर भी है यहाँ पे। दिस इज अ मिरर, नीट एंड क्लीन, अच्छा वॉशरूम है, काफ़ी अच्छा है। एंड दिस इज द टॉयलेट, ये भी कॉमन टॉयलेट है। सोप डिस्पेंसर, टिश्यू पेपर। तो अब हम दिखाते हैं आपको आगे। ये है डाइनिंग एरिया, किचन एरिया, कैफेटेरिया, लाउंज, जो भी आप कह लो। यहाँ पे ये है बीन बैग, विंडोज, ये टेबल्स, टीवी, काफ़ी बड़ी टीवी है, हमें देखनी तो है नहीं टीवी। ये है पूरा किचन विद ऑल द यूटेंसिल्स, नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेनेंस, अंदर काफ़ी सामान भी है। दिस इज द वॉशिंग मशीन, आपको कपड़े धोने हैं। माइक्रोवेव, ये वाटर बॉयलर, ये आपका इंडक्शन, ऑटोमेटिक इंडक्शन। दिस इज़ द रेफ्रिजरेटर, इसमें काफ़ी सामान है जो हम लोग खा भी सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, सब इंक्लूडेड है। वी कैन हैव दिस ब्राउन एग्स, दिस इज सम नॉन वेजिटेरियन, शी टोल्ड अस पोर्क एंड बीफ, वी डोंट हैव दिस मिल्क, बाकी चीज़, बटर, ये सब चीज़ें रखी हैं। ये हमारा मतलब का जो पूरा सेक्शन है, हमारा मतलब का ये है जिसमें कि चीज़ है, बटर है, ये है हमारे वेजिटेरियन, योगर्ट है। यप, और ये देखिए योगर्ट हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, अभी आए हैं हम लोग। हाँ, काफ़ी योगर्ट खा लिया, मुझे ये खाना है। Can I have it? I don't know how is it. ये कुछ रशियन में लिखा हुआ है। I think this is something अरुण। कोई नहीं, हम टेस्ट करेंगे इसको। अच्छा, हमको यहाँ पे पानी की कमी है, थोड़ा पानी नहीं मिल पाता है ज़्यादा। हमें बस समझ नहीं आ रही, शायद यहाँ पे टैप वाटर पी सकते हैं, पानी निकाला है, फ्रिज बाउल में डाला है और फ्रिज में डाल दिया ताकि हमारे लिए पीने लायक हो जाए। अब गर्म है, आई गेस पीने लायक हो गया। प्लीज़ इफ़ यू कैन, नहीं गर्म नहीं है, प्लीज़ आप उठा सकते हैं इसको। क्या दोस्तों, हम आपको ये बताते हैं दो चीज़ें। पहली बात, यूरोपियन कंट्रीज में अपनी बॉटल लेके चलो, लोग यहाँ खुद ज़्यादा पानी पीते नहीं है, आपको ज़्यादा पानी मिलेगा नहीं। हम इंडियन से, हमें पानी की सख्त ज़रूरत है, इसलिए अपना पानी खुद लेके चलें, वरना आप खरीदोगे पैसे पड़ेंगे, बेटर है आप। वैसे पानी की कॉस्ट लगभग उतनी है, 25 रूबल्स के आसपास पानी है इंडिया, 20 रुपये की। पर क्यों खरीदना, लाइक पानी क्यों खरीदना है ना, ले सकता आपको। और दूसरी बात ये, वॉशरूम में यहाँ पे कोई जेट, हैंड जेट कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है, पानी तो आपको टिश्यू पेपर से काम चला। या तो टिश्यू पेपर है ऑप्शन आपके पास नंबर वन, या नंबर टू यू हैव टू कैरी वाटर बॉटल्स इफ यू लाइक, आपको जैसा मर्जी है आप यूज़ करिए। हम आपको बस एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हाउ द यूरोपियन टॉयलेट्स आर रियली। बट आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क इफ यू आर गेटिंग सम वाटर वाटर, बिकॉज यहाँ के जो टॉयलेट होते हैं वो बिल्कुल ड्राई होते हैं, आपको बताना चाहता हूँ, और बिल्कुल साफ सुथरा सूखा सूखा रहता है। तो आई थिंक यू हैव टू गो विद द टिश्यू पेपर, बट अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो यू ऑलवेज हैव ऑप्शन। तो हम आपको इसी की बात लेके चलते हैं अपने रूम पे, और मैं पानी पीऊँगा। जी आ गए हैं, पानी पीना है। तो ये हमारा रूम है, सामान थोड़ा हमने फैला दिया है, आए थे सामान पटक दिया है। तो ये है हमारे बेड, टॉवल्स प्रोवाइड की गई है, नीचे ड्रॉर है। ये है मेरा बेड, ये है भैया का बेड, और ये रहे भैया। ये नहीं, अभी आ रही होंगी यहीं हॉस्टल में ही, हम उनसे मिलेंगे, आपको भी मिलवाते हैं उनसे।
और उसके बाद फिर हम देखते हैं कई बार कुछ खाएंगे और फिर सोएंगे. आज शायद कुछ प्लान नहीं है हमारा, इसलिए हम सोएंगे. हाय गाइस, तो जैसा कि हमने आपको अपने वीडियो में बताया था कि हम एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाने वाले हैं. और हम मर्मन्स्क आए थे और यहाँ पर हेल्पफुल काफ़ी लोग हैं देखा मैंने. मैम को देर हो रही है, आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं. मैम को थोड़ा देर हो रही है इसलिए हम जल्दी से इंट्रोड्यूस कराते हैं. और हमको उनके साथ अभी बाहर जाना है. हम उन्होंने बोला मैकडी लेके चल रहे हैं. मैकडी उनको वर्क में भी अलग ही मैकडी है यहाँ का, देखते हैं क्या है. तो आपको मैडम से मिलाते हैं. हेलो फ्रॉम इंडिया. हेलो फ्रॉम मर्मान्स्क. माय नेम इज यूकिनिया. शी इज रियली हेल्पफुल. शी इज द वन who took us from all the troubles, from immigration. Who took you into troubles. No. No, not at all. Agar ye nahi hoti, if she was not here, we would have been stuck in the airport or somewhere around the city. We'll still be sitting in here. Yeah, because it's really hard to find hostels in here. Murmansk ka McDonald's dekhte hain. Kaisa hai McDonald's? Ajeeb sa hai thoda. एंट्रेंस इसका हॉस्टल अंदर से अच्छा है. हम हॉस्टल दिखाते हैं आपको. यार आप इस जगह को देखकर आइडिया नहीं लगा सकते टाइम क्या हो रहा है. आप देखिए, आप आइडिया लगाइए कितना बज रहा है. अंधेरा देख रहे हैं आप. एक वाइल्ड गेस करके देखिए, 6 बज रहा होगा, 7, 8. जो भी सोचोगे ना सब गलत ही सोचोगे. अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं. हमें पता है हम नजर नहीं आ रहे होंगे. मुर्मस्क पहली बिल्डिंग है जो स्टोन पर रख के बनाई गई थी. इसके पहले यहाँ कोई शहर नहीं था. सोवियत यूनियन के टाइम पे मुर्मस्क को बसाया गया था. तो जैसा कि हमने कहा था, हम मैकडी में आ गए हैं. मैकडी की स्पेशलिटी यहाँ पे ये है कि दिस इज द नॉर्थेस्ट रेस्टोरेंट. और ऐसा यहाँ पे लिखा भी है, रशियन में लिखा है. हमारी रशियन फ्रेंड ने हेल्प किया इसको ट्रांसलेट करने में. विच मीन्स दिस इज़ द नॉर्थेस्ट मोस्ट मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट. काफ़ी अलग है जैसा होता है अपने यहाँ पे. बट इट्स गुड. हेलो, हाय टू इंडिया. इंडिया प्रीवियस. हाय टू इंडिया. ओवर हियर. हाय. कब पर जो बोल फारा. ओके, 12 साल की है. फारा उसका नाम है. फारा उसका नाम है. फारा. ओके. इंडो रूस की. या हिंदी. ओके. यहाँ पे वही शायद सिस्टम है. ऑनलाइन अगर ऑर्डर करना हो आपको, आप अपने यहाँ पे सेलेक्ट करिए, पे करिए. यहाँ पे भी कुछ वेज ऑप्शन नहीं है, सारा नॉन वेज ही है. तो मैडम ने हमारे साथ नॉन वेज ऑर्डर किया हुआ है और हम लोगों ने वेज में ऑर्डर किया हुआ है. फ्रेंच फ्राइज और पोटैटो वेजेस वही ऑप्शन है, विद कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफ़ी. बैठते हैं कहीं पे. सॉरी, आई एम टॉकिंग इन हिंदी नाउ. विच इज दिस समवेयर यहाँ पे. कोई जगह ही नहीं है. ये है यहाँ का मैकडॉनल्ड्स का लुक, जो कि काफ़ी डिफरेंट है अपने हिंदुस्तान के मैकडॉनल्ड्स से. अगर आप देखें, रशिया में कुछ लिखा हुआ है. इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी नाइस एक्चुअली. सॉरी, थोड़ा अलग ही आर्किटेक्चर है बट अच्छा है. रंग बिरंगा है. नॉर्मल बोरिंग मैकडी नहीं है यार, जैसा इंडिया में हर जगह है. तो इंडिया वाले ऐसे क्यों नहीं मैकडी कर देते हैं, थोड़ा कलरफुल करो ना उसको. चलो हम लोग खाते हैं यार, भूख लग रही है. बाकी बाद में देखते हैं बाहर कुछ, अगर देखने को अच्छा मिलता है तो हम आपको ज़रूर दिखाते हैं. स्टे ट्यून. ठंड लग रही है भयानक. It's Arctic, it's not a joke, she's saying.